फिरोजाबाद में जिला मुख्यालय पर मुस्लिम समाज के लोगों ने आज जिलाधिकारी फिरोजाबाद को राज्यपाल एवं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए ट्रिपल तलाक को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन तलाक पर रोक लगा दी तथा केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने के लिए भी कहा है। तत्पश्चात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए तीन तलाक पर कानून बनाकर लोकसभा में पारित करवाया, किंतु विधेयक राज्यपाल में पारित ना हो सका। फिरोजाबाद से जेपी गौतम की रिपोर्ट। एसके जो महिला को उत्पीड़न हो रहा था तीन तलाक को लेकर, उसके मसले में हमने ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका पालन करे और तीन तलाक का कानून जल्द से जल्द बनाने की कृपा करे। पाँच सौ महीने पे और पीने के लिए भी ले रहे हैं एक हजार रुपए का पानी नहीं है हमारे महीने में। सुपर गंदी बनी है। तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है आपका? कुछ दिया है? लेटर दिया है जी को मैडम को दे दिया है। आज नहीं, बहुत टाइम पहले से दे रहे हैं, आज भी दे देंगे। तो आज दो एप्लीकेशन अभी दे देंगे हम। तो क्या क्या समस्या है? समस्या पानी की है। समस्या पानी की है। कौन सी बस्ती में रहते हो? 500 महीना कहाँ रहते हो? परी का नगला, साठ फुटा रोड, नगला बरी सहलई सुपर गली। तो आज तक आपने कहीं शिकायत नहीं करी अधिकारियों से? शिकायत कई मरतबा की, कोई सुनवाई नहीं हुई कभी। महिलाओं को लेके आयो, मुस्लिम महिलाओं ने किससे संबंधित है? यहाँ पर बहुत तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई और उनके द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए ये ज्ञापन संबोधित है और इसमें विशेष रूप से जो इनकी मांग रखी गई है वो ये है कि तीन ट्रिपल तलाक जो है, तीन तलाक का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे जो अधिनियम और कानून बनाने की बात इन लोगों ने रखी है और आज मेरे माध्यम से ये चाहती हैं कि इसको माननीय राष्ट्रपति जी को भेज दिया जाए, इनका ज्ञापन और इनकी बात ऊपर तक पहुँचाई जाए।